हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स देखेंगे, जो कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके यूनिट 5 के कुछ एमसीक्यूज विद कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस यूनिट के एमसीक्यूज जो हैं उन्हें समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं उसकी PDF विद आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नोट्स जो हैं, अभी तक के जितने भी नोट्स हमने अपलोड करे हैं वो सारे के सारे नोट्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, तो वो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ केमिकल काइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सेकेंड ऑप्शन इज पार्टिकल साइज, थर्ड ऑप्शन इज रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटरफेशियल टेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, केमिकल काइनेटिक्स जो है इसके अंदर हम जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट क्या होगी उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सिंपली केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ रिएक्शन इज द। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस टू गिव द प्रोडक्ट्स। सेकेंड ऑप्शन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन। थर्ड ऑप्शन इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू डिक्रीज टू 90% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो किस स्पीड के ऊपर हो रही है, उस चीज़ को जो है रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड। तो जब एक रिएक्शन की रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है इसके अंदर जो रेट होती है रिएक्शन की वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इक्वेशन रेट इक्वल टू के सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी द ऑर्डर ऑफ अबव रिएक्शन इज। तो एक इक्वेशन हमें दी गई है उसके अंदर रेट बताई गई है, तो रेट तो यहाँ पर हमें बताई गई है। अब हमसे ये पूछा गया है कि ऑर्डर जो है इस रिएक्शन का वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज के, सेकेंड ऑप्शन इज कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी, थर्ड ऑप्शन इज कैपिटल सी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। ऑर्डर जो होती है किसी भी रिएक्शन की वो ये होती है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके ऊपर जो पावर लगी हुई है उनको ऐड करके जो आता है वो होता है रिएक्शन का ऑर्डर। तो इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो हाफ लाइफ सिंपली क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो हाफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे जो है हाफ लाइफ कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, सेकेंड ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन टू के, थर्ड ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू एंड फोर्थ ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल टू 2k अपॉन ए नॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए गिवन ऑप्शंस में से किस मैथड को यूज़ करा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राफिक मैथड, सेकेंड ऑप्शन इज सब्सटीट्यूशन मैथड, थर्ड ऑप्शन इज हाफ लाइफ मैथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ये तीनों ही मैथड जो यहाँ पर दिए गए हैं, ग्राफिक मैथड, सब्सटीट्यूशन मैथड एंड हाफ लाइफ मैथड, इन तीनों ही मैथड्स को यूज़ करा जाता है किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, सेकेंड ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन टू के,
थर्ड ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल्स टू 2k एंड फोर्थ ऑप्शन इज टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की क्या वैल्यू होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज 1 अपॉन ए के, सेकेंड ऑप्शन इज 0.693 अपॉन के, थर्ड ऑप्शन इज ए नॉट अपॉन 2k एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए नॉट अपॉन 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो हाफ लाइफ मतलब टी हाफ होता है वो होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। तो किसी भी ड्रग के अंदर जो फिजिकल डिग्रेडेशन होता है उसका कारण गिवन ऑप्शंस में से क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज वॉलेटिलाइजेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ड्यूरिंग स्टोरेज, सेकेंड ऑप्शन इज चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, थर्ड ऑप्शन इज चेंज इन कलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सारे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ये सारे ही कॉज होते हैं ड्रग के अंदर फिजिकल डिग्रेडेशन होने के लिए। ठीक है, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो गया उसकी वजह से फिजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है। जो कॉम्पोनेंट्स है स्टोरेज के टाइम उनका वॉलेटिलाइजेशन हो गया वो चीज़ भी फिजिकल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड कलर चेंज हो गया तो वो भी फिजिकल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन इज कैटालिसिस, थर्ड ऑप्शन इज डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर, कैटालिसिस एंड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तीनों ही फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज यूज टू मेजर। तो जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है उसे क्या मेजर करने के लिए यूज करा जाता है गिवन ऑप्शंस में से? फर्स्ट ऑप्शन इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सेकेंड ऑप्शन इज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड ऑप्शन इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्लोएबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है इसे यूज करा जाता है किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू। तो जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है उसे गिवन ऑप्शंस में से किस कारण के लिए करा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिडिक्ट शेल्फ ऑफ द फॉर्मुलेशन, सेकेंड ऑप्शन इज प्रिडिक्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, थर्ड ऑप्शन इज प्रिडिक्ट डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है इसे करा जाता है जिससे कि किसी भी फॉर्मुलेशन की जो शेल्फ लाइफ होती है उसको पता लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICH stands for। तो ICH जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन इज इंटरक्रेनियल हीलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। ICH जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, एंड इसका काम क्या होता है कि कोई भी दवाई है उसकी क्वालिटी एंड एफिकेसी को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टेस्ट करा जाता है जो रिसर्चर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी SI यूनिट क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज किलो जूल पर मोल, सेकेंड ऑप्शन इज जूल, थर्ड ऑप्शन इज न्यूटन पर मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिलीमीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी यूनिट या फिर उसकी SI यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो टेम्परेचर का जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होता है वो गिवन ऑप्शंस में से किसके द्वारा एक्सप्लेन होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज अरहेनियस इक्वेशन, सेकेंड ऑप्शन इज नन्स इक्वेशन, थर्ड ऑप्शन इज नोएस विटनी इक्वेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज फिक्स फर्स्ट लॉ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर होता है वो एक्सप्लेन करा जाता है अरहेनियस इक्वेशन के द्वारा। अरहेनियस इक्वेशन जो है वो सिंपली बताती है कि टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से इफेक्ट करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद सॉल्यूशंस, तो वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।